हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। तो सबसे पहले विद्युत चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो विद्युत में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश जो होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे आवेश के बारे में। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश आवेश होता है और एक ऋणावेश होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं धनावेश के बारे में। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, जब लोहे के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, जिसके कारण लोहे की छड़ जो होती है वो धन आवेश तथा रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे जिसका नाम है डियर, अगला जो हमारा रीडिंग इसका नाम है ऋण आवेश। तो ऋण आवेश क्या होता है, देखिए यहाँ पे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, लिखा हुआ है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली के खाल से एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋण आवेश तथा बिल्ली की खाल धन आवेश उत्पन्न करती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण उत्पन्न होता है। यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश जो होता है वो क्यू बराबर क्या होता है आपका, एन ई होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्यू बराबर एन ई। क्यू क्या है आपका, आवेश होता है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई जो होता है आपका वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। अगला हेडिंग देखेंगे डियर जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है, किसी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो I बराबर Q अपॉन T होता है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। अगला हमारा जो हेडिंग है हमारा डियर, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है उसका नाम है, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है डियर उसका नाम है विद्युत धारा एक की मूल राशि तथा उसके मात्रक। और भी देखेंगे हम लोग, विद्युत धारा एक मूल राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे कूलाम प्रति सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्यू बराबर IC हो, 1 कूलाम हो, और टी बराबर 1 सेकंड हो, तो I बराबर 1/1 इन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 कूलाम हो जाएगा। यदि किसी विद्युत परिपथ में या यदि किसी परिपथ किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यू बराबर एन अपॉन क्यू इक्वल टू एन ई अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एन ई अपॉन टी होता है। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं हम लोग जिसका नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो होती है हमारा, किसी विद्युत आवेश के को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। यदि कूलाम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो V बराबर क्या होता है आपका, W/T होता है, कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो यूनिट होती है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होती है। अगला हेडिंग नीचे दिया हुआ, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है जिसे वोल्ट भी कहते हैं। तो W बराबर 1 जूल हो, Q बराबर 1 कूलाम हो, तो V बराबर 1/1 = 1 वोल्ट हो जाएगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव भी जो होगा वो 1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डियर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगाएंगे। आइए हम देखते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यदि दो बिंदुओं
जैसे एक ए हो और दूसरा बी के मध्य किसी धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य डब्लू हो, तो उनके मध्य जो विभवांतर होगा वो भी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होगा आपका डब्लू अपॉन क्यू हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आसानी से कि डब्लू बराबर क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू आपका हो जाएगा। यदि क्यू इक्वल टू 1 कूलाम हो और डब्लू बराबर 1 जूल हो, तो आपका तब जो फार्मूला डेल्टा वी हो जाएगा वो आपका 1/1 इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाता है। एकांक धनावेश को किसी बिंदु से ए से बी तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अगली हेडिंग देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हेडिंग है आपका, जिसका नाम क्या है आपका, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में आइए हम लोग जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो दिया है प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, या किसी चालक के 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी हो तथा उन बिंदुओं के मध्य प्रवाहित धारा आई हो, तो विद्युत विभवांतर प्रतिरोध जो होगा वो आर इक्वल टू वी अपान आई होता है। विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका जो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, इसका मात्रक वी अपान ए होता है, यानी वोल्ट अपान एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ओम कहते हैं। अगला हेडिंग देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला जो निर्भर करती है आपका वो होता है आपका चालक की लंबाई पे। किसी चालक की लंबाई का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आर अनुक्रमानुपाती यल होता है। दूसरा हम देखेंगे चालक के पृष्ठ पर भी निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, यानी आर इक्वल टू आर अनुक्रमानुपाते सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर व्युत्क्रमानुपाते 1/a हो जाएगा। तीसरा देखेंगे हम ताप वृद्धि। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होता है उसका, बढ़ जाता है। चौथा है पदार्थ। भिन्न भिन्न पदार्थों के चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अगला हम देखेंगे जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर जो होगा आपका वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/a के। तो यहाँ देख सकते हैं आर इक्वल टू रो 1/a, यानी रो एक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप देख सकते हैं रो इक्वल टू आर ए अपान एल, यानी ए जो होगा आपका वो क्या होगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू एल लंबाई जो होगा 1 मीटर है, तो रो इक्वल टू क्या होगा आपका आर ओम मीटर होता है। किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डियर जो दिया आपका किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट जो प्रतिरोध होती है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग दिया है कि विद्युत परिपथ द्वारा जो विद्युत परिपथ तथा विद्युत प्रतिरोध का जो आरेख होता है वो कैसे बनाई जाती है। तो विद्युत जो आपका प्रवाह जो होती है, देख सकते हैं यहाँ हेडिंग जो हमारी दी हुई है ये वाला, तो विद्युत प्रवाह के बंद प्रतिरोध पर बंद जो पथ को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो विद्युत प्रवाह के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी इत्यादि क्या होते हैं, लगे होते हैं। विद्युत परिपथ के आरेख वह आरेख होता है जो परिपथ में लगे विभिन्न विद्युत स्रोत से उत्पन्न करता है। अब हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जिसे बोलते हैं हम लोग ओम का नियम। आइए देखते हैं हम लोग ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक के तार में
विद्युत प्रवाहित कर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फिर से देखेंगे, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक तार के सिरों पर विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो तो V अनुक्रमानुपाती क्या होगा आपका, I होता है। जैसे अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होगा आपका, V इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है आपका, आर आई हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आर एक क्या आपका नियतांक है जिसे चालक के प्रतिरोध कहते हैं। V इक्वल टू क्या, V अपन आई इक्वल टू आर होता है। अगला हम देखेंगे, नीचे दिया है नियत ताप पर किसी चालक तार के प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न V तथा तार में प्रवाहित विद्युत धारा I का अनुपात सदैव नियत होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ये अब अगला हेडिंग देखें हम लोग, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है डियर, वो आपका दो तरह से होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम में, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं आपका समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम नीचे दिया हुआ है, श्रेणी क्रम पहले ऊपर दिया हुआ। तो चलिए इससे पहले श्रेणी क्रम में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग समांतर क्रम में देखेंगे। तो जब पहले प्रतिरोध के पहले सिरों को बैटरी से तथा दूसरे सिरे के दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध को पहले सिरे के दूसरे प्रतिरोध से और दूसरे प्रतिरोध से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख के समझ सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध में यहाँ पे तीन तरह के प्रतिरोध, एक R1, R2, R3 क्या हैं आपके, बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो परिपथ में पहले सिरे जो हैं उनमें धन प्लेट जो है आपका से तथा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरों को ऋण प्लेट से जोड़ दिया जाता है। बैटरी का विभवांतर भी है और बैटरी में आई एम्पियर की धारा निकलती है जो तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से प्रवाहित होती है, जिसके कारण पहले प्रतिरोध के सिरों पर V1 विभवांतर तथा दूसरे सिरों पर V2 विभवांतर तथा तीसरे सिरों पर भीतरी विभवांतर उत्पन्न होता है। अतः ओम के नियम के हिसाब से देखेंगे तो V1 इक्वल टू क्या होगा आपका, IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 होगी। तीनों सिरों से उत्पन्न विभवांतर का योग बैटरी के विभवांतर V के योग के बराबर होता है, यानी V इक्वल टू जो होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, यानी V इक्वल टू क्या होगा, IR1 IR2 प्लस IR3। तीनों प्रतिरोधों को जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध रखा जाता है जिसका मान तीनों प्रतिरोध के समतुल्य हो, उसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार हम देखेंगे V इक्वल टू क्या आपका IR, तो IR इधर रखेंगे तो क्या होगा आपका, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। तो नीचे आपका फिर क्या होगा आपका, अगला देख सकते हैं यहाँ पे, तो I कॉमन ले लेंगे तो IR1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा, I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है श्रेणी क्रम को लेकर के। अब समांतर क्रम को हम देखते हैं क्या होता है। समांतर क्रम जब प्रतिरोधों को पहले सिरे से तथा एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़कर बैटरी से समायोजित कर देते हैं, तो इस प्रकार का समायोजन को समांतर क्रम कहा जाता है। R1, R2, R3 जो है वो समांतर क्रम में संयोजित एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका विभवांतर भी होता है। तीनों प्रतिरोधों के सिरों को विभवांतर समान होता है तो बैटरी में आई एम्पियर की धारा निकलती है जो बिंदु ए पर जाकर के तीनों भागों यानी I1, I2, R3 में विभाजित हो जाती है। यानी I इक्वल टू क्या होगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ओम के नियम के हिसाब से देखेंगे, V इक्वल टू क्या होगा आपका, I1 इक्वल टू V अपान R1 और I2 इक्वल टू V अपान R2 इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, और I3 इक्वल टू V अपान R3, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो समीकरण में हम क्या करेंगे, I1, I2, I3 के जो मान हैं इनको रख देंगे। तो जैसे मान रखेंगे तो आप क्या होगा, I इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब तीनों प्रतिरोधों को के जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाता है जिसके कारण प्रतिरोध की विद्युत धारा जो होती है विभवांतर में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपान R हो गया, R हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो समीकरण 4, 5 में और 6 से जो V अपान R होगा वो V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, तो
तो वी अपॉन आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी इक्वल टू, तो वी वन वी कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, तो वी से वी कैंसिल, तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री होता है। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग के बराबर होता है। अब डियर हम नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है विद्युत धारा तथा उष्मीय प्रवाह, ये जो हेडिंग है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा हेडिंग है और आपका ये भी इम्पोर्टेंट हेडिंग है तो छोटा ही डियर, लेकिन हम लोग को नेक्स्ट टाइम पे इसको देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से चीज़ें रिवीजन हो जाए। अगर उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छे से जो मैंने आपको समझाया ये टॉपिक्स आज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट टाइम पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट में आप करके पिन कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा आपको क्या डाउट हो रही है। और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो लो हम सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डियर उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।